हिंदू धर्म में कई ऐसे रीति रिवाज व कई ऐसे त्यौहार व्रत है जिनको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के एक दिन बाद ही गोविंदा द्वारदशी आ रही है, जो भगवान श्री कृष्ण व नरसिंह महाराज को दी जाती है। अगर इस दिन भगवान श्री कृष्ण व नरसिंह जी की पूजा करी जाए तो संतान प्राप्ति के शुभ परिणाम मिलते हैं। जिन लोगों के विवाह कार्य के बाद में लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, वह इस व्रत को करे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की सुख भी प्राप्त होता है। एक गोविंदा द्वारदशी इस बार 21 मार्च को आ रही है। इसमें तमाम ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भगवान नारायण के साथ में नरसिंह जी की कृपा बरसती है। आइए ज्योतिष आचार से जानते हैं इसका महत्व। शांताकारं भुजगशयिनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यारम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी आती है। इस बार रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन में गोविंद द्वादशी का शुभ मुहूर्त एवं शुभ दिवस पड़ रहा है। गोविंद द्वादशी भगवान नारायण के स्वरूप नरसिंह अवतार को समर्पित है। भगवान नरसिंह का पूजन, भगवान नारायण का पूजन साथ में करने से गोविंद द्वादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। गोविंद द्वादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। इस बार 21 तारीख को गोविंद द्वादशी का व्रत आ रहा है। जिन भक्तों को अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है वो भगवान नारायण नरसिंह से प्रेरित श्री गोविंद द्वादशी का व्रत कर अपने जीवन को सफल करें।